जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सीए इंटरमीडिएट के जो एस्पिरेंट्स लोग हैं, जो अभी फाउंडेशन पास करने वाले हैं या फाउंडेशन पास कर चुके हैं और सीए इंटर में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए एक छोटा सा अकाउंट्स के पेपर के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, क्या क्या नया चेंजेस आया है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करना है मुझे। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो अकाउंट्स का जो पेपर है ना, उसको एडवांस्ड अकाउंटिंग बोला गया है, और जो पुराना ग्रुप वन और ग्रुप टू में दो अकाउंट्स के पेपर थे, अकाउंट्स और एडवांस्ड अकाउंट्स, उसको मर्ज करके अब एक ही अकाउंट्स का पेपर बचा है। और इसमें भी क्या है ना बच्चों, मेन फोकस आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। मतलब स्टूडेंट लोगों को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं फ्रॉम 1 to 29, ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रेलेवेंट। और अगर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिससे रिलेटेड प्रैक्टिकल चैप्टर्स वाइज बड़े बड़े सम्स बनते हैं, जैसे कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, तो उनको लेकर के वो, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि वो चैप्टर्स की शक्ल ले लेंगे। तो आपको पूरे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं, और कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करने में 6-6, 7-8 क्लासेस भी लग सकती हैं, बिकॉज दे विल अल्टीमेटली टेक द शेप ऑफ चैप्टर्स लाइक से अमलगमेशन, कंसोलिडेशन एटसेट्रा। अब रहा बात बच्चों की, मैं पिछले 28 साल से पढ़ा रहा हूँ सीए के स्टूडेंट लोगों को, और मैंने आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ माई सेल्फ, लेकिन जब शुरुआत मैंने की तो लोग मुझे यही बोल करके जानते थे कि ये बंदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फोकस रख के पढ़ाता है। तो आपको एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आया, कब आया, क्यों आया, क्या वजह है, इंडेज के साथ उसका क्या डिफरेंसेस है, और एक एक पैराग्राफ का इंटरप्रिटेशन, उसको लेकर के छोटे छोटे इलस्ट्रेशन, उन सब का डिस्कशन बहुत इन डेप्थ वे में आपको यहां पे करना पड़ेगा, बिकॉज द पेपर हैज चेंज्ड नाउ। तो अगर आपको कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज लेना है तो बहुत डिटेल में आपको सारे एएस पढ़ने पड़ेंगे। अगर ऊपर ऊपर से आप एएस पढ़ के जाते हो तो आप प्रॉब्लम में हो। अब आइए नेक्स्ट बातचीत कि हम लोगों को किस तरह से क्लासेस लगेगी, कितना वक्त लगेगा। तो मैं अभी देख रहा था, आज ही देख रहा था, अप्रॉक्सीमेटली मुझे 90 क्लासेस लगेगी 2.5 hours की, ओके, और अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5 months मुझे कंप्लीट करने में लगेंगे। से मैं 29th of August को अपना बैच चालू कर रहा हूं, तो आप समझ लो अगस्त एंड हो गया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर और मिडिल ऑफ जनवरी वी विल बी फिनिशिंग आवर बैच, ओके। एंड माई क्लासेस आर ऑलवेज वेरी इंटरेक्टिव, और अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फुल फ्लेजेड रोल होगा और सारे क्वेश्चंस एएस से आएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 65-75% ऑफ द पेपर विल कम फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर वो वाला चीज होने वाला है तो आप मान के चलो कि आपको बहुत बहुत इंटरेक्टिव वे में आपको टीचर से बात करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अगर आप लाइव क्लास आते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आते और आप गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव वगैरह के मोड से क्लास करते हो तो आपको मेरे से कंसिस्टेंट बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू से जुड़ के रहना पड़ेगा। जो जो क्वेरी होगी आपको पूछना पड़ेगा, मैं वो क्वेरी ऑडियो नोट्स के थ्रू से आप लोगों को सॉल्व करके भेजूंगा। अब आइए नेक्स्ट बात मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। सी, अभी इंडिया में दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चलता है, एक छोटी कंपनियां और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और बड़ी कंपनियां यानी कि लिस्टेड कंपनीज या फिर जिनका नेटवर्क 250 करोड़ से ऊपर हो, वो लोग इंड एएस फॉलो करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। तो सीए इंटरमीडिएट का जो पूरा सिलेबस है ना बच्चों, वो एएस बेस्ड है, और सीए फाइनल का पूरा सिलेबस जो है वो इंड एएस बेस्ड है, ओके। अब ये एएस और इंड एएस में क्या डिफरेंस है ये बताने का आज वक्त नहीं है, लेकिन अब स्टूडेंट जो है ना कि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको इंटरमीडिएट में कवर करने हैं, और आप ये मान के चलो कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स इट्स और देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बारिंग फ्यू बिग कंपनीज जो लोग इंड एएस फॉलो करते हैं, और इंड एएस तुमको सीए फाइनल में ऐसे भी पढ़ने मिलेगा। सो अगर आपका एएस का नॉलेज डीप नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आपको एग्जाम पास करने में और आने वाले टाइम पे भी अपना करियर बिल्ड करने में प्रॉब्लम होएगा। और अगर आप इंटरमीडिएट को ठीक से नहीं कंप्लीट करते हो तो आप मान के चलो फाइनल्स में आपको प्रॉब्लम होएगी ही होएगी, बिकॉज इंटरमीडिएट इज द बेस बिल्डिंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द सीए फाइनल्स।
अब आया दूसरा बात कि सर मॉक टेस्ट वगैरह का, रिवीजन वीडियोस वगैरह का क्या कहानी है। तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों का मॉक टेस्ट लेता रहूंगा और रिवीजन वीडियोस टाइम टू टाइम रिकॉर्ड होते रहेंगे, वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। हो सकता है रिवीजन वीडियोस का लाइव में ऐसे क्लास ना हो, बट मैं अलग से रिकॉर्ड करके यूट्यूब में और आप लोगों को जैसे भी ग्रुप में देना हो वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। आखिरी बात खाली इतना बोलना है कि सिलेबस चेंज हुआ है, 30% ऑफ द क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू से आने वाला है। एमसीक्यू के क्वेश्चन जो आने वाले हैं बहुत इजी नहीं होते, उसके लिए आपको, मेरा 100% मानना है कि सारे एएस बेस्ड रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपको एएस का इनडेप्थ नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको बहुत केयरफुली बहुत अच्छे से क्लास करना है। बाकी मेरी क्लासेस जो है वो 29th August से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप आराम से ज्वाइन कीजिए। क्लासेस हम लोग गूगल ड्राइव पे भी अपलोड करते हैं, पेन ड्राइव मोड पे तो अभी क्लास देना पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि नया हम लोग लॉन्च करेंगे, नया क्लासेस लेंगे क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। तो आप ऐप के थ्रू से भी क्लास कर सकते हो, गूगल ड्राइव के थ्रू से क्लास कर सकते हो और लाइव क्लास आप आ सकते हो। अगर आप लाइव नहीं आ सकते हो तो लाइव क्लास का जो जूम के थ्रू से आप ज्वाइन कर सकते हो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जाम का प्रिपरेशन का जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर छोड़िए, नए सिलेबस को किस तरह से गो थ्रू करना है वो आप मेरे ऊपर छोड़िए, वो मैं कवर कर लूंगा। आप ज्वाइन कीजिए अच्छे से और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।